नमस्कार साथियों, मैं रुपेश भाल से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल GS Genius Academy पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं जिसे इस देश ने केवल इसलिए भुला दिया क्योंकि उन्हें अपने दोस्त भगत सिंह के साथ फांसी पर चढ़ने का मौका नहीं मिला। इस देश ने एक ऐसे क्रांतिकारी को जिसने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए निछावर कर दिया, उसे बदले में क्या दिया? उन्हें इस देश में अपना जीवन जीने के लिए, अपना जीवन का सफर तय करने के लिए बीड़ी सिगरेट तक बेचना पड़ी। यहां तक कि गाइड बनकर लोगों को उन्होंने अलग अलग जो भी चीजें थी उनके बारे में जानकारी दी। ऐसी उन्होंने यहां तक कि बस परमिट के लिए भी इतना उनको जूझना पड़ा इस देश में, जिसे आजाद कराने के लिए उन्होंने दोस्तों क्या क्या नहीं किया। तो आइए, मैं आज आप लोगों के लिए एक क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक आप बने रहिए और जानिए बटुकेश्वर दत्त के बारे में। तो दोस्तों, पहले आप यह देखिए कि अपने अंतिम दिनों में बटुकेश्वर दत्त ने क्या शब्द कहे थे। उन्होंने कहा कि काश मुझे भी फांसी हो जाती तो आजाद भारत में यह दिन ना देखना पड़ता। सोचिए दोस्तों, एक क्रांतिकारी जिन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर इतनी आजादी के लिए इतने प्रयत्न किए, उसे इतनी ऐसी बातें क्यों करना पड़ी इस देश में, आजाद देश में ऐसी बातें क्यों करना पड़ी कि काश मुझे फांसी हो जाती। क्या उनके मन में यह था कि फांसी लग जाती तो शायद ज्यादा अच्छा होता है जीने की बजाय? ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बटुकेश्वर दत्त जो हैं, उनका जो जन्म हुआ था वो 18 नवंबर 1910 को हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई वो 20 जुलाई 1965 को हुई। तो जानते हैं हम बटुकेश्वर के दत्त के बारे में और कि इस देश ने बटुकेश्वर दत्त के बारे में सबसे पहले कब जाना। बटुकेश्वर दत्त भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे और बटुकेश्वर दत्त को इस देश ने तब जाना जब तारीख थी 8 अप्रैल 1929। इस दिन क्या हुआ था, क्या खास था? इस दिन उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर विधानसभा में बम गिराए। ठीक है, अब वो बम गिराने का कारण क्या था, जरा उसको भी समझ लेते हैं। तो सरकार ने क्या किया दोस्तों, दो बिल पास करने की उनकी प्लानिंग थी। अब वो बिल क्या थे, आप सभी को पता होगा कि जो भगत सिंह है उन्होंने सांडर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो अब अंग्रेजों के मन में यह था कि क्रांतिकारी इतनी आसानी से किसी की हत्या करके निकल जाते हैं तो क्यों ना हम इन पर थोड़ा सा नकेल कसें। और उन्होंने क्या किया, दो बिल लाए जिसमें से पहला बिल जो था वो पब्लिक सेफ्टी बिल था, जिसके तहत वो कोई भी जिसमें भी उनको संदेह रहे किसी क्रांतिकारी को, उसको उठा के वो जेल में डाल सकते थे। और दूसरा जो बिल था ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल, उसके तहत किसी को भी आंदोलन करने की इजाजत नहीं रहती, वो किसी को भी आसानी से जेल में डाल सकते थे, उस पर केस चला सकते थे। अब भगत सिंह के दिमाग में यह आया कि हम ऐसे बिलों को पास नहीं होने देना चाहते, तो उन्होंने क्या किया, असेंबली में गए 8 अप्रैल 1929 को, अपने दोस्त बटुकेश्वर दत्त के साथ गए वो, और उन्होंने वहां पर जाकर दो बम गिराए। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, वो क्रांतिकारी हैं, खून खोलता है पूरा उनका अंग्रेजों को देखकर, फिर भी उनके अंदर समझदारी का जो लेवल है वो भी आप देखिए कि उन्होंने वो दोनों बम फेंकते समय इस बात का ध्यान रखा, ख्याल रखा कि किसी को इस बम से कोई नुकसान ना हो, ना कोई आहत हो इस बात से। ठीक है, और वहां पर से वो फरार नहीं हुए बम फेंकने के बाद, वो वहां पर खड़े रहे और उन्होंने पर्चे फेंके जिस पर उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लिखे थे और अपनी मांगे लिखी हुई थी, और लगातार नारे लगाते रहे और अपनी गिरफ्तारी दे दी। उसके बाद, इस घटना के बाद दत्त और भगत सिंह दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और 12 जून 1929 को इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन आप दोस्तों, यहां पर एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, देखिए अब किस तरीके से चेंज आया, तो उसको थोड़ा सा हम पहले एक कहानी को थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं और ये समझते हैं कि अभी सर आपने बताया कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों को आजीवन कारावास हुआ, लेकिन भगत सिंह को तो सर फांसी हुई, हमने तो ये देखा। तो जरा सा हम फ्लैशबैक में जाकर समझते हैं कि क्या हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि साइमन कमीशन भारत आया था, जिसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय ये लोग सब लाहौर में इकट्ठा हुए, वहां पर आंदोलन हुआ। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने जो लाला लाजपत राय, उनकी सिर पर लाठी मारी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब इनकी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम स्कॉट को मार दें। लेकिन जैसे ही वहां गए तो स्कॉट की बजाय गलती से किसको मार दिया गया, सॉन्डर्स को मार दिया गया। और ये जो कहानी थी जो मैं आपको फ्लैशबैक में जाके बता रहा हूं, उन्हीं के एक दोस्त ने, उन्हीं के एक साथी ने जिसका नाम था जय गोपाल, उसने ये बयान दे दिया कि भगत सिंह ने ही और उसके कुछ साथियों ने मिलकर ही सांडर्स की हत्या की थी। इस वजह से दोस्तों, भगत सिंह और उनके साथी को क्या हो गया, उन तीनों को फांसी की सजा सुना दी गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि बटुकेश्वर दत्त
और भगत सिंह जिनको आजीवन कारावास दिया गया था, लेकिन जय गोपाल की वजह से क्या हुआ, भगत सिंह पर एक नया केस चालू हो गया, जो लाहौर षड्यंत्र था वो चालू हो गया और उसके तहत उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन बटुकेश्वर दत्त के तो खिलाफ कोई सबूत थे नहीं, तो उन्हें काला पानी की सजा सुना दी गई और उन्हें अंडमान जेल में भेज दिया गया। अब जो उनके दोस्त थे वो तो फांसी पर चढ़ गए, लेकिन उसके पहले भी जब बटुकेश्वर दत्त ने ये कहा कि तुम्हें तो फांसी मिल जाएगी, तुम्हें तो इस चीज़ से, इस यातनाओं से सबसे मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जेल में किस तरीके से यातनाएं दी जाती थी, नंगा करके उन्हें बिल्कुल बर्फ लेटा दिया जाता था, हंटरों से मारा जाता था, जबरन में उन्हें खाना खिलाने की कोशिश की जाती थी क्योंकि वो सब भूख हड़ताल पर रहते थे, तो ये सब यातनाओं से बटुकेश्वर दत्त को ये लग रहा था कि इन्हें फांसी मिल जाएगी, ये तो बच जाएंगे, लेकिन मैं तो अंडमान निकोबार में जीवित रह रहा हूँ, मैं कैसे ये यातनाओं को सहूंगा, सहता चला जाऊँगा। तो भगत सिंह ने एक पत्र लिखा और बटुकेश्वर दत्त को यह कहा कि दोस्त क्रांतिकारी जो है आप अलग तरीके के क्रांतिकारी हो, आपको इस देश को बताना पड़ेगा कि केवल क्रांतिकारी जान देना नहीं जानते हैं, क्रांतिकारी यह भी जानते हैं कि किस तरीके से यातनाओं को झेलते हुए जीवित रहा जा सकता है, और दोस्त तुम्हें यह करना पड़ेगा। और इसके बाद बटुकेश्वर दत्त 1933 से लेकर 1937 तक भूख हड़ताल पर रहे। 1937 में उन्हें सेल्यूर जेल से बिहार की पटना स्थित बांकीपुर केंद्रीय जेल में उनको लाया गया और वहाँ 1938 में उन्हें फिर क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। लेकिन सोचिए, एक क्रांतिकारी जो इतने समय से जेल में रहा हो, भूख हड़ताल करी हो, इतनी बीमारियाँ हो गई हो उनको, काला पानी में उन्हें टीबी की गंभीर बीमारी हो गई थी, सोचिए दोस्तों इनका आप जुनून देखिए, देश के प्रति इनकी जुनून देखिए आपकी, कितनी बीमार होने के बाद भी वो लगातार बस देश के बारे में ही सोच रहे हैं। अब देखिए, वो उस जेल से छूटने के बाद अगर कोई आम इंसान होता तो क्या करता, वो अपने जीवन में कुछ अच्छा सोचता कि चलो यार अब मैं लाइफ में कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन नहीं, वो वापस आए और उन्होंने देखा कि भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे हैं गांधी जी, वो उसमें शामिल हो गए। देखिए दोस्तों, मैं इसलिए बार बार आप इसलिए हम आपके लिए बटुकेश्वर दत्त की जानकारी लेकर आए हैं क्योंकि एक ऐसा क्रांतिकारी है जो आप रुकने को तैयार ही नहीं है, भारत छोड़ो आंदोलन में वो शामिल हुए, जिसके बाद उन्हें 4 साल की फिर से सजा हो गई। और 4 साल की सजा हुई, उसके बाद क्या हुआ कि आप सभी को पता है कि उसके बाद लगातार अंग्रेज जो हैं वो लगातार पिछड़ते चले गए और उन्होंने एक दिन फैसला ले लिया कि इसको हम आज़ाद कर देते हैं। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद क्या हुआ दोस्तों, आज़ादी मिलने के बाद 1945 में जब जेल से रिहा हो गए और आज़ादी के बाद वे पटना में रहने लगे और काफ़ी समय तक संघर्षपूर्ण जीवन जिया, देखो दोस्तों जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ है उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा आप जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि उन्हें वो सम्मान भी नहीं मिल सका जिसके वो हकदार रहे हो, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। आप तो सोचिए, अगर भगत सिंह आज उस समय अगर रह जाते जीवित तो शायद उन्हें भी ये देश वही सब चीज़ें देता जो बटुकेश्वर दत्त को मिली हैं। तो जिस आदमी के ऐतिहासिक किस्से भारत के बच्चे बच्चे की जुबान पर होना चाहिए था, लेकिन उनके साथ क्या हुआ कि वो एक मामूली टूरिस्ट गाइड की तरह घूम रहे, लोग कमाई करने के लिए साधन, अपना जीवन यापन करने के लिए दोस्तों देखो कैसे जिंदगी जीना पड़ रही है उन्हें। पटना में अपनी बस शुरू करना चाहते थे वो, तो वो परमिट लेने के लिए गए, लेकिन जब वो परमिट लेने के लिए पहुंचे तो कमिश्नर साहब उन्हें मिलने के बाद क्या कह रहे हैं, कौन बटुकेश्वर दत्त भैया, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, सबूत दीजिए आप क्रांतिकारी हैं। जब उन्होंने पत्र पेपर दिखाए, उस समय के जब उन्होंने असेंबली में बम फेंके तो उस समय के जब उन्होंने पत्र पेपर दिखा, अखबार दिखाया, तो बोले नहीं मैं ये आप चेहरा मैच ही नहीं हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, बोले मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। सोचिए दोस्तों कितनी तकलीफ हुई होगी उन्हें, इतना आहत हुआ कि यार ये इन लोगों के लिए मैं लड़ा, इन लोगों के लिए मैंने इतनी यातनाएँ झेली कि आज ये मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन हूँ। आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, हालांकि ये एक अच्छी खबर भी हो सकती थी कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उन्हें जब बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ दोस्तों, जैसे आज आपको फील हो रहा होगा ऐसे उन्हें फील हुआ, और उन्होंने उस कमिश्नर साहब को कहा कि भैया माफ़ी मांगो, किस व्यक्ति को आप बोल रहे हो कि कौन हो आप, जिनकी वजह से आज आप कमिश्नर बन के यहाँ बैठे हो ना, ये बटुकेश्वर दत्त हैं, भगत सिंह के दोस्त हैं ये, ठीक है। उसके बाद 1964 में बटुकेश्वर दत्त के बीमार होने पर उन्हें पटना के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। देखो दोस्तों, ये जब मैं ये वीडियो के बारे में सोच रहा था तो मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी कि एक ऐसा इंसान जिसने देश के लिए इतना कुछ किया हो, लेकिन जब वो खुद बीमार हुआ हो, उसको अस्पताल की ज़रूरत हो, तब उन्हें बिस्तर तक नहीं मिल रहा है। सोचिए आप, ये देश क्या किस तरफ जा रहा था ये देश। इस पर उनके मित्र और स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे चमन लाल, उनके दोस्त, उन्होंने क्या किया, एक अखबार में एक पूरा का पूरा गुस्से से भरा एक लेख लिख दिया। जो गुस्सा आज आपके मन में, हमारे मन में, वो पूरा गुस्सा उन्होंने अखबार में उड़ेल दिया और लिखा कि क्या ये हिंदुस्तान इस काबिल भी नहीं है कि यहाँ कोई क्रांतिकारी जन्म ले।
परमात्मा ने बटुकेश्वर दत्त जैसे वीर को भारत में पैदा करके बहुत बड़ी गलती की है। सोचिए आप, उनको कितना पछतावा हो रहा है इस बात का। आजाद भारत के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी हो, उस आजाद भारत में जिंदा रहने के लिए, सोचो जिनने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी हो उसको जिंदा रहने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है दोस्तों। आप सोचिए कि बटुकेश्वर दत्त को उस समय क्या फील हो रहा होगा, उनके दोस्तों को क्या फील हो रहा होगा। इसके बाद पंजाब सरकार ने अपनी तरफ से दत्त के लिए इलाज के लिए कुछ पैसे भी दिए और दिल्ली या चंडीगढ़ में उनका इलाज करवाने के लिए पेशकश की कि चलो हम आपको कहीं ना कहीं किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी, मतलब अंततः हालत बिगड़ने पर 22 नवंबर 1964 को उनसे हॉस्पिटल जब उन्हें लाया गया तो वहाँ पर पत्रकारों ने उनसे पूछा, ये जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ना, ये मेरे मतलब अंदर से मुझे एकदम झंझोर के रख दिया इन शब्दों ने, कि जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप जब यहाँ आए हो तो आप कुछ कहिए, तो उन्होंने कहा कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस दिल्ली में मैंने बम फेंका था, जिस असेंबली में जाके मैंने बम फेंका, वहाँ जहाँ मैंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे, वहाँ मुझे एक अपाहिज की तरह ले जाया जाएगा, वहाँ मैं आऊँगा और मैं मुझे बिस्तर तक नसीब नहीं होगा, ऐसी स्थिति में यहाँ आऊँगा जहाँ मैंने क्या किया था, क्रांतिकारी बनकर मैंने यहाँ बम फेंके थे। सोचे दोस्तों, ये एक तस्वीर मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ जिनमें भगत सिंह की माता जी उनके साथ बैठी, बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह की माता जी बैठी हुई हैं और उन्होंने अपने पास उनको जैसे जब देश आज़ाद हुआ तो वो कहीं जाते थे तो उन्हें सम्मान के रूप में जो 1000-1500 रुपये दोस्तों जो मिलते थे सम्मान के रूप में, वो भी उन्होंने बटुकेश्वर दत्त को दे दिए कि ये तुम्हारे इलाज में काम आएंगे। सोचो दोस्तों, उस समय कौन काम आ रहे हैं, बस केवल क्रांतिकारी ही काम आ रहे हैं, कोई लोग काम नहीं आ रहे हैं, कैसी स्थिति में व्यक्ति जिया होगा। दिसंबर में उन्हें एम्स में भर्ती करा दिया गया, जैसा मैंने आपको बताया कि कैंसर जो था वो बहुत ज्यादा डबल कैंसर वाली बात हो गई थी, वो कैंसर होने की बात पता चली यही जब पंजाब के मुख्यमंत्री जब बटुकेश्वर दत्त से मिलने आए। आप देखो दोस्तों, आपके अंदर बटुकेश्वर दत्त का जो एक सम्मान है वो और बढ़ जाएगा जब आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा क्या बताई। लोग क्या चाहते होंगे, लेकिन उन्होंने क्या चाहा, जब मुख्यमंत्री ने बटुकेश्वर दत्त से पूछा कि आप जब मिलने आए तो उन्होंने मदद की पेशकश की कि आपको कोई हेल्प चाहिए क्या, तो बस उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जहां मेरे दोस्तों का जहां पर अंतिम संस्कार हुआ था ना, जहां उनकी समाधि बनी हुई है, बस मुझे भी मेरे दोस्त के पास ही वहां पर मेरी समाधि बना दीजिएगा। देखिए दोस्तों कितना मतलब कितना इस क्रांतिकारी का आप लेवल देखिए कि उनकी सोच क्या है, उन्हें आखिरी मरते दम तक भी उन्हें बस क्या चाहिए था कि उनके दोस्त के पास उन्हें समाधि मिल जाए। और जो भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु की जहां पर समाधि है हुसैनीवाला में, वहीं पर बटुकेश्वर दत्त को भी उन्होंने जब आखिरी सांस ली उसके बाद उनका अंतिम संस्कार हुसैनीवाला में किया गया और सुखदेव राजगुरु भगत सिंह के स्थान पर ही उनको साथ में रखा गया। आपने देख सकते हो तस्वीर में जहां पर उनकी समाधि पर हर साल सब लोग फूल चढ़ाने जाते हैं, लेकिन फिर भी चलो जो नेता लोग हैं, बड़े लेवल के लोग हैं, वो लोग जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो उन्हें समाधि पर वहाँ पर जाकर उन्हें फूल समर्पित करते हैं। लेकिन दोस्तों अगली बार आपका भी कभी जाना हो तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के साथ साथ बटुकेश्वर दत्त से भी आप मिलिए। बस मैं अंत में आपसे इतना कहूँगा दोस्तों कि जिस व्यक्ति को इस देश में मान सम्मान मिलना चाहिए था उन्हें बदले में क्या मिला दोस्तों, आप सोचिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि कोई व्यक्ति तब नहीं मरता दोस्तों जब उसकी मौत हो जाती है, एक व्यक्ति की तब मृत्यु हो जाती है जब लोग उसको भुला देते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी साथी लोगों को आप जानते हैं, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो बटुकेश्वर दत्त को जान सके, उनके बारे में जान सके। मैं आपको बटुकेश्वर दत्त के बारे में एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपको अंदर से इतना खुश कर देगा कि कितनी अच्छी बात थी वो कि शहीद फिल्म जो बनी थी 1965 में जिसमें मनोज कुमार जी ने काम किया था, उस फिल्म की जो पटकथा है वो स्वयं बटुकेश्वर दत्त ने लिखी थी। आप सोचिए कि वो कितनी रियल फिल्म हो सकती है। अभी जो आप फिल्में देखते हैं उनमें तो बहुत सारी कहानियां मन से जोड़ देते हैं, लेकिन जब बटुकेश्वर दत्त ने खुद ने जो अपनी जीवन की जो बातें बताई होंगी, भगत सिंह के साथ जो उन्होंने समय बिताया वो सब बताया होगा, उस पर आधारित ये फिल्म है और इसके लिए उन्हें सरकार की तरफ से पुरस्कार भी मिला। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो पूरी कहानी में बटुकेश्वर दत्त की किस्मत कितनी खराब थी, इस बार भी उनके साथ वही हुआ कि जब ये पुरस्कार मिला उस समय उससे पहले उनकी मौत हो चुकी थी दोस्तों। और इसी के साथ उनका पूरा जीवन काल जो है वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने संघर्षपूर्ण जीवन जिया है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और बस अब आप लोगों से विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर किसी और नए क्रांतिकारी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।